हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता सब्सक्राइब मत कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाइथन में कैलकुलेटर कैसे काम करते हैं। कैलकुलेटर का मतलब हुआ क्या है कि मतलब वही ऑपरेटिंग्स जो है ना, ऑपरेटर्स कैसे काम करता है इसमें, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारा कैसे काम करते हैं। चलो पहले एक फाइल बनाते हैं। पहले हम तो फाइल बनाने के लिए टच लिखना होता है, और कैलकुलेटर के लिए मैं सिंपल सी एल लिखता हूँ, साथ पी वाई क्रिएट हो गया होगा मेरा। चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर जैसे कि आपने जावा पढ़ा है या सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है या कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ा है आपने, तो आपको पता होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर को हम यहाँ पे कैलकुलेटर बोल देते हैं, उसी को कैलकुलेटर बोलते हैं, कैलकुलेटर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पहले पढ़ेंगे प्लस, यानी कि एडिशन क्या है, जो नंबर को जोड़ना होता है ना, तो एडिशन क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि माइनस, मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीपल होता है, एक नहीं भाई, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई जिसे करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीज़न। तो डिवीज़न में दो किस्म का होता है, एक डिवीज़न होता है कि ए वाला सिंपल स्लैश लगता है, जो होता है फ्लोट के लिए, फ्लोट का डिवीज़न के लिए होता है। जैसे कि क्या है, 0.5 में किसी से डिवीज़न करना, 0.8 में किसी से डिवीज़न करना, या 100 पॉइंट में किसी में डिवीज़न करना है, तो आप सिर्फ सिंगल एक ही लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको इस तरीके का फ्लोट जो है ना, फ्लोट में अगर आपको डिवीज़न करना है तो आप सिर्फ एक लगाएंगे। इसी तरीके से जो कि जावा और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज होता है कि अगर आपको किसी भी तरीके से अगर डिवीज़न करना है तो आप सिर्फ ए ही लगाएंगे। उसमें मतलब नहीं होता कि आपका फ्लोट है या आपका इंटीजर है या आपका कैरेक्टर है, कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एक ही लगाना होता है जावा में या सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस में। लेकिन यहाँ पाइथन में थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन में क्या है कि अगर आपको फ्लोट में करना है, फ्लोट का डिवीज़न करना है, तो आप सिर्फ एक लगाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको इंटीजर का करना है तो आप दो लगाएंगे, ये डिवीज़न का साइन दो लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप इंटीजर का डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे इंटीजर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो अब, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। फिर अगर पॉइंट है तो समझ लीजिए कि वो फ्लोट हो गया, तो आपको सिर्फ एक ही लगाना है। अगर ये नहीं है तो आपको ये लगाना होगा। शायद मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा ये। और दूसरी बात जो है कि एक हमारे पास और है, अभी तो और है एक नहीं, तो एक हमें पढ़ा जा रहा शायद मॉडुलस वाला जो है, ये वाला, ये आपको क्या देता है, आपको मॉडुलस देता है। शायद आपने अगर मतलब पहले कोई प्रोग्रामिंग किया तो आपको मॉडुलस देगा। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर देगा आपको, रिमाइंडर देगा आपको। जैसे कि रिमाइंडर का मतलब क्या है कि अगर आपने 5 में रिमाइंडर किया 2 से, डिवाइड किया 2 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इकस्टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर देना। ये आपको पता होगा सारा अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग किया कि सारे प्रोग्रामिंग सेम ही है। इसी तरीके से और जो दूसरा है ये है कि स्टार स्टार दो बार मल्टीपल करना होता है। अब दो बार मल्टीपल करने का मतलब क्या है कि पावर लगाना, जैसे बोलते हैं ना, पावर की तरह काम करता है। इसमें आपको सिंपली भाषा में बताता हूँ, पावर की तरह काम करता है। जैसे कि 2 पे अगर हमने इस तरीके से लगाया तो ये क्या काम करेगा, पावर की तरह, 2 का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 3 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 की तरह काम करेगा। इसका मतलब कि 8 आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये पावर की तरह काम करेगा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम छोटा मोटा एक दो बना लेते हैं, उसके मैं इस वीडियो में काम करेंगे क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लेंथी बनाना चाहता हूँ, बहुत सलो करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सिंपली हम पहला एक प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट 2+3 कर लेते हैं, सिंपली यही कर लेते हैं। बाद में अगर हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना चाहते हैं हम। तो 2+3 मतलब एडिशन है ना, तो एडिशन है तो क्या होगा, कितना आंसर आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आपको पता है, बस कर रहे हैं पाइथन, उसका नाम कर्ल.py।
आंसर देखिए 5 आ गया। इसी तरीके से अगर आपको प्रिंट करवाना है 5 -2 या -3 तो ये क्या आना चाहिए आंसर, पता है आपको, देखिए 2 आ गया आंसर। इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है 2 × 3 करना है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, देखिए। अच्छा, मैंने इसको सेव नहीं किया तभी तो, ये देखिए 6 आ गया। इस तरीके से अगर आप डिवाइड करते हैं, जैसे कि 10 / 5 या 3 करते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए क्या बोल रहा है कि आपका कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ पे आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए ये इंटीजर नंबर है, तो जब आप इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो क्या करना चाहिए, आपको पहले बताया था मैंने, डबल होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। अच्छा, ए वो तो मिस्टेक तो यहाँ पे है, प्रिंट हो रहा है, ये तो वो करके दे देगा लेकिन आंसर आपको क्लियर नहीं देगा। ये देखिए 3 आ गया, क्योंकि अगर आप 10 में, अगर आप 10 इंटीजर नंबर है, अगर इंटीजर नंबर में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ए रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए करेक्ट आंसर दे दिया, क्योंकि जब आप एक रखते हैं तो आपको फ्लोट समेत दे देता है, जैसे पॉइंट वाला था ना यहाँ पे देखिए, तो क्या करता है फ्लोट समेत दे देता है अगर आप एक रखते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या करता है, ये आपको आंसर इंटीजर में ही देगा, देखिए। यानी कि 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 1 है, लेकिन रिमाइंडर से मतलब नहीं है इसे। तो इसी तरीके से अगर आपको एक करवाना तो आप एक रख दीजिए, दो करना तो आप 2 रख दीजिए। इस तरीके से आप नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 × 3 पावर ही मैं बोलता हूँ आपको, समझ आपको आसानी समझ आ जाएगा। ये देखिए 8 आ गया आंसर है। इस तरीके से आप मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं, तो मॉडुलस रिमाइंडर देगा आपको। अरे मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ, तो आप इजीली यहाँ पे आ जाइए, प्रिंट लिखिए 10 × 2 रखते हैं तो रिमाइंडर नहीं आएगा, 3 रखते हैं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, है ना, देख लेते हैं। ये देखिए अभी इसे डिवाइड कितना हुआ मतलब नहीं, उसे रिमाइंडर से देना है, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस तरीके से आप इसे सारा को ये सब को यूज कर सकते हैं। इन सब को अब बाकायदे हम यूज करेंगे जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें इन सब को यूज़ करेंगे, उसका मैं आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, गुड बाय।